गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राकेश रेजा आपका स्वागत करता हूँ मॉर्निंग बुलेटिन में। और मॉर्निंग बुलेटिन में हम लोग चर्चा करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के उन लेवल्स की जहाँ आप इंट्राडे में ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं। तो बात शुरू करते हैं डाउ जोन्स से, और डाउ जोन्स में अगर हम लोग देखते हैं तो कल एक 90 पॉइंट की गिरावट देखी गई। मतलब 90 पॉइंट की जो गिरावट थी वो काफ़ी ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे तो एक अच्छी खासी गिरावट हम लोग ने यहाँ पहले मार्केट हमने देखा कल नीचे से पहले ऊपर गया, नीचे खुला, फिर ऊपर गया और फिर ऊपर से वापस नीचे आ गया। तो कुल मिला के ये छोटी गिरावट रही। फाइनली एक लंबी गिरावट के बाद में फिर रिकवरी नहीं आना, ये नेगेटिव ट्रेंड का ही लक्षण है। लेकिन आज सुबह से अगर हम लोग देखेंगे तो डाउ जोन्स का जो फ्यूचर्स है वो 150 पॉइंट करीब करीब ऊपर हैं, और इसी 150 पॉइंट के ऊपर की वजह से अगर हम लोग अपनी एसजेएक्स निफ्टी को देखेंगे तो करीब करीब 73 पॉइंट्स अभी ऊपर दिख रहा है। ये मतलब ये जो बढ़त है वो अभी अभी अचानक से आई है, ये हमको दिख रहा है। तो ये जो अभी देखिए कल की बहुत बड़ी गिरावट के बाद में एक रिकवरी आना, रिट्रेसमेंट होना, ये एक लाजमी है। छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग होगी, छोटा सा वापस से एक शॉर्ट कवरिंग होगी, ये होता रहेगा। और इसीलिए आज हमको करना क्या है, आज हमारे लिए क्या ऑप्शंस है, क्या अपॉर्चुनिटीज है निफ्टी बैंक निफ्टी में, हम उनको देख लेते हैं। तो निफ्टी की अगर बात करते हैं तो देखिए हम लोग जैसे मैंने कहा कि हम लोग कल बंद हुए करीब करीब 17184 के पास में। मैंने कल का लास्ट टारगेट दिया था 170 का, और प्राइस थोड़ी सी नीचे गई और फिर प्राइस ऊपर जाके करीब करीब अपने लेवल के आसपास आके बंद हुई। ओके, तो ये जो हमारा भी 184 का 154 का क्लोजिंग है कल का, और उसके हिसाब से अगर हम लोग 70 पॉइंट ऊपर अगर मान के चलते हैं तो करीब करीब ये वही हो जाता है 250, है ना, ये 250। तो अब ये हमारे लिए आज जो 250 का जो लेवल है 17250 विल बी एक्ट एज एन अ बाउंड्री फॉर अस। क्या आज हम लोग वहाँ आसपास खुल के वापस नीचे आ जाते हैं या ऊपर चलते हैं? ठीक है, अगर हम लोग ऊपर इस लेवल के आसपास हम लोग खुलेंगे और फिर अगर हम लोग ऊपर बढ़ना शुरू करते हैं तो फिर हमारे लिए ऊपर के टारगेट्स होंगे 17350 भी एक टारगेट से, इसको ध्यान में रखिए क्योंकि ये वो लेवल है जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी यहाँ। ओके, और फिर अगर उसके मतलब अगर हम लोग 17320 ऐड आता है वहाँ आप थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए, फिर 17350 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर वापस आप एंट्री कीजिए, और फिर 17400 ये आज का मैक्सिमम मतलब जो है टारगेट आना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। यहाँ तक जाएगा ये थोड़ा सा चांस कम है, लेकिन चूंकि कोई एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रेंड अगर सेंटिमेंट्स बन जाते हैं कोई वजह से, कोई न्यूज़ से, कोई कुछ से, तो यहाँ ये उठा पटक चलते रहेगी। अभी कल भी इतना बड़ा गिरावट आएगा हमने देखा नहीं था, लेकिन जहाँ से सेल था और जहाँ नीचे था पूरा ऊपर से नीचे तक हम लोग ने सारे टारगेट्स कल अचीव किए। तो आज इसलिए जो मुझे इमीडिएट आज का टारगेट लग रहा है ऊपर वाला वो लग रहा है 17400 का, और 467 ये बहुत एक्सट्रीम होगा। अगर यहाँ आ जाते हैं तो आपको यहाँ से सेल करना है, जैसे कि कल मैंने कहा था कि आपको नीचे का ही चांस है, लेकिन अगर ऊपर आ जाता है मैंने कहा था कि 1700 के बीच में आता है तो आपको सेल करना है, और वहीं से एग्जैक्टली मार्केट जोर से गिरा हुआ है। तो ठीक है, आपको भी ये देखना है कि ये 17467 आज के लिए हमारा वो टारगेट होगा जहां से आपको शॉर्ट करना है। ओके, तो ये शॉर्टिंग का जब रहे और जब तक ये इसके ऊपर बने रहे फिर तब तक हम लोग ऊपर की ओर बने रहेंगे। और फिर जो ये लेवल से ये लेवल सब पे आपको लेवल्स पे ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, और न्यूज़ बेस पे भी काफ़ी हमको डिपेंड रहना पड़ता है। कभी भी कोई भी न्यूज़ आ जाती है और उसके हिसाब से मार्केट में अचानक से बदलाव आता है, लेवल्स पे बिल्कुल ध्यान रखिए। नीचे की अगर हम लोग 750 को नहीं क्रॉस कर पाते तो आप वहाँ से नीचे आ जाते हैं तो फिर शॉर्ट कीजिए, फिर आपको नीचे के टारगेट्स होंगे 17184, 17111 और 17061 के। अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी आज देखिए हम लोग जहां खड़े हैं वहां के हिसाब से जो मैंने बाउंड्री लगाई वो थोड़ा ऊपर की है,
वो 40,062 की है। हमको वहाँ तक जब तक है, जब तक हम लोग इस रोड इस लेवल को पार नहीं करते तब तक हम पॉजिटिव नहीं है, ये समझ लीजिए। इसके ऊपर आज हम लोग बेसिकली क्या है कि अभी यहाँ से खुलेंगे, यहाँ से खुलेंगे और थोड़ा ऊपर भी जाएंगे और फिर ऊपर जाएंगे, जैसे यहाँ तक ऐसे जा सकते हैं और फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे वापस आ सकते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिए, पहले तो ऊपर ही जाएंगे पर कहाँ से मुड़ना है इसको ये देखने की वाली बात है। तो ये अगर इसके ऊपर चलने लगे तो फिर हमको नया बाय करना है, ओके। और या फिर हमको जब तक अगर यहाँ ये जो पॉइंट है इस पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से अगर आपको नीचे जाते हुए दिखे तो आपको वापस शॉर्ट करना है, इसके ऊपर निकल जाते तो बाय करना है। फिर ऊपर के टारगेट जो मुझे दिख रहे हैं वो 40,300 के दिख रहे हैं और अभी का क्लोजिंग के हिसाब से देखते हैं तो भी करीब करीब वो 600 700 पॉइंट का है। अगर बहुत ज़्यादा बाइंग आ जाती है तो हमको यहाँ से और 40,400 तक भी मिल सकता है, पर आपको यहाँ फिर इसके ऊपर निकल जाते हैं तो फिर आप अपना वो जोन देखिए कि जहाँ से आपको वापस सेलिंग कहाँ मिल रहा है। इसके ऊपर बाइंग की जगह मैं देखूंगा कि वो कोशिश कीजिए कि जहाँ से आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलती है वहाँ आप जाके सेल कीजिए। तो ये होगा आज का बैंक निफ्टी का लेवल। अगर हम लोग ऊपर नहीं चढ़ पाते तो वापस आप यहाँ सेल ही करेंगे 40,062 के आसपास, और वहाँ से फिर आपके नीचे के टारगेट्स होंगे 39,812, 39,621 और नीचे का जो है वो 39,489 जो है, ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। ये वो लाइन है जहाँ जब हमने बजट के दिन जो एक स्पिनिंग टॉप बना था, जो लो बना था, लो बजट के दिन का लो है और इसीलिए ये बहुत स्ट्रांगली उसको डिफेंड कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, ये अगर ब्रेक होता है तो फिर हम लोग एक बड़ी गिरावट के लिए रेडी है समझो, ओके। जब तक ये लेवल नहीं टूटती तब तक हम लोग बचे, अगर ये नीचे आ जाती तो फिर हमारे लिए फिर नीचे के लेवल करीब करीब 37,000 तक भी जा सकते हैं, ओके। तो यहाँ ध्यान रखिए, मार्केट अभी भी सेल ऑन राइस का सेंटिमेंट्स में, सेंटिमेंट्स अभी भी निगेटिव हैं। छोटी मोटी रिकवरी आते रहेगी, जैसे कल ये छोटी एक छोटी रिकवरी आई थी, दिखाई थी, फिर वापस जोर से नीचे गिर गया। तो इस टाइप से मार्केट आता रहेगा और आपको यहाँ लेवल पे ध्यान रखना है, लेवल्स के हिसाब से चलते रहना है। देखिए चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर निफ्टी भी जब अगर हम लोग किसी भी तरह से ये लेवल तोड़ देते हैं 17,000, आज का जो लो दिया है 17,061 का, ये लेवल टूट के 17,000 के नीचे हम लोग अगर चलना शुरू करते हैं तो फिर मेरा नीचे का टारगेट जो होगा वो 16,000 तक का ही आता है डायरेक्ट। तो आप जो भी है आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से 1,000 पॉइंट की और भी गिरावट आ सकती है और वहाँ से क्या होगा वो मुझे पता नहीं। फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूँ कि 17,000 अगर ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा 16,000 के आसपास होगा। तो दोस्तों मार्केट में काफ़ी वोलाटिलिटी है, काफ़ी अनसर्टेनिटी है और रोज़ रोज़ नई नई खबरें आ रही हैं, निगेटिव खबरें ज़्यादा आ रही हैं। ऐसे माहौल में ज़्यादा एडवेंचर ना करें और संभल के ट्रेड करें, छोटे छोटे प्रॉफिट्स के साथ में ट्रेड करें, छोटी क्वांटिटी में करें। तो दोस्तों ये था आज का मॉर्निंग बुलेटिन, और मॉर्निंग बुलेटिन में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ वो बेसिकली एजुकेशनल पर्पज़ से होती है और आप उसको उसी तरह से लें। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और इसीलिए यहाँ मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मेरा यहाँ मैंने आपको कोई भी कहाँ किस लेवल पे बाय करना क्या लेवल, ये मेरे कहने का मतलब नहीं है। मैं आपको लेवल्स देता रहा हूँ और आप इन लेवल्स के हिसाब से, अगर ये लेवल्स आपको अपनी ट्रेडिंग में हेल्प करती हैं तो ये आपके लिए, मेरे लिए आप मेरे तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। और आप जब भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के सलाह के साथ में करें या अपने स्वयं के रिस्क पे करें। तो दोस्तों आपका आज का दिन प्रॉफिटेबल हो, मंगलमय हो, इसी कामना से आपसे मैं विदा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे बाजार मॉर्निंग बुलेटिन के एक नए एपिसोड के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।